हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम हरिहर काका पढ़ रहे हैं। हरिहर काका का हमारा पहला पार्ट हो चुका है। उसके बाद आज हम ये जो लेसन में पढ़ते जा रही हूँ, और आप बुक में देखते जाइए, जो हमारी संचयन बुक है उसी में से हम जो पार्ट पहला पढ़ा रहे हैं वो है हरिहर काका, है ना। तो हरिहर काका के बारे में हमने आपको बताया था, इनके लेखक मिथिलेश्वर हैं, और इन्होंने एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग की कहानी लिखी है, जो उनके पड़ोस में रहते थे, है ना। तो जो लेखक थे वो जिनका गांव में सम्मान करते थे, उनमें से एक हरिहर काका भी थे। तो हमने यहाँ तक पार्ट एक को, हरिहर काका को, पार्ट पेज नंबर 2 तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद में हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ठाकुर बाड़ी किस तरह से पहचानी जाती थी, और ठाकुर बाड़ी कैसे बनी, है ना। ठाकुर मतलब भगवान का मंदिर, भगवान चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, वहाँ पे ठाकुर जी यानी भगवान को कहा गया है। तो वो मंदिर में, मंदिर का जो परिसर बढ़ता गया और उसमें लोग रहते गए, उसे वो ठाकुर बाड़ी के नाम से वो जाना जाता था, है ना। तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। अब 20 बीघे खेत मतलब आप बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तो एकड़ वही के लिए बोलते हैं, एक एकड़, 2 एकड़, लेकिन बीघा यानी काफी बड़ी जमीन उनकी हो गई थी ठाकुर बाड़ी के नाम से। लोगों ने 20 एकड़ मतलब 20 बीघा जमीन वहाँ पे ठाकुर बाड़ी के नाम से जमा हो गई थी। मतलब वहाँ पे ठाकुर बाड़ी के नाम से जमीन पूरी, उन्हीं के नाम से वो सारी जमीन हो गई थी। धार्मिक लोगों की एक समिति है, जो ठाकुर बाड़ी के देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। देखिए, अब वो समिति इतनी बड़ी, बोलते ना, इतनी बड़ी समिति बन गई, संगठन बन गया, और वहाँ पे उन्होंने मतलब ये नियम बनाया कि हर 3 साल में वहाँ के महंत पुजारी चेंज होंगे। तो यानी नियुक्ति की जाती थी, 3 साल इनकी बारी है। तो जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए हम करते हैं, वैसे ही गाँव में वो जो ठाकुर बाड़ी थी वहाँ पर जो महंत और जो पुजारी रहते थे उनकी नियुक्ति होती थी, मतलब उनको वहाँ के लिए चुना जाता था 3 साल के लिए, है ना। तो ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। भाई ठाकुर बाड़ी भगवान का जहाँ मंदिर है वहाँ तो धर्म, वो धर्मस्थल है, धर्मस्थल में धर्म का ही काम होगा। क्या काम होगा कि लोगों को इस बारे में जागृत करना, भक्ति भावना जो है वो उस बारे में उन्हें जगाना, जागृत करना, भगवान के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा करना, आकर्षण पैदा करना, उसी को भक्ति भाव कहते हैं, है ना। तो भावना लोगों में उत्पन्न करना, ये वहाँ के लोगों का काम था। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। भाई धर्मस्थल है, मंदिर है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे भजन होगा ही, है ना। भजन कीर्तन हमेशा चलते रहते थे। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। मतलब जो जमीन है आजू बाजू ठाकुर बाड़ी मंदिर है, जब वहाँ पे बाढ़ आ जाती है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो लोग नदी में बाढ़ आने के कारण जो उनके किनारे जो लोग रहते हैं नदी के किनारे, वहाँ के लोग वहाँ जाके तंबू गाड़ देते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे जब फिर ये सब आपदाएँ आती है, जो भी विपत्ति आती है, उसके लिए वहाँ के जो साधु संत हैं वो भक्ति से और भगवान को ये मनाते हैं कि हे ईश्वर, ये जो विपदा है ये टल जाए। तो उसके लिए वो निरंतर भक्ति भाव से अपने हरि कीर्तन यानी भगवान का भजन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। भाई उसको इतना महत्व दिया गया है, उसी के नाम से वो गाँव प्रसिद्ध है, और वहीं से जो भी तीज त्योहार शुरू होते हैं गाँव के, वो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। देखिए, कोई भी त्यौहार हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान को ही अर्पण करते हैं जो भी कुछ है। लेकिन अब वो गांव के लोग, ग्रामीण लोग, वो तो विशेषकर अपने ठाकुर बाड़ी को विशेष रूप से उन्होंने वहां पे मान्यता दी है, तो वो सबसे पहले जो भी कार्य करते वो सबसे पहले वहां
से शुरुआत होती है ना। तो होली का भी जो सबसे बताया यहाँ पे कि होली का गुलाल भी जब जब शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले भगवान को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। देखिए हर हर ग्रामीण लोग, हर ग्रामीण जो व्यक्ति हैं, जो हरे के घर वहाँ पे बने हुए हैं, वो सारे लोग अपने अपने दीपक, एक एक दीपक दीपावली में एक एक दीपक ला के पहले भगवान के ठाकुर बाड़ी में लगाते हैं। उसके बाद वो फिर अपनी दिवाली अपने घर में दिया जलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को वहाँ पे ठाकुर बाड़ी को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। जन्म शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम से की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं, है ना। तो वहाँ के जो ब्राह्मण है, जो साधु है, वो जो बहुत से लोग बोलते हैं ना, जैसे आज ही पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन कथा होती है, बहुत से लोग कथा करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, जो भी पूजा पाठ करवानी रहती है। तो वहाँ की जो साधु संत है वो हर घर घर जाके वो वहाँ जाके पूजा करते हैं। तो लोगों के खलिहान में जब फसल की दवानी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगउम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अगउम मतलब कि सबसे पहला जो अग्रभाग निकालते हैं, बोले ना अग्रासन जिसे कहते हैं, कि जो सबसे पहला भाग निकाला जाता है वो भगवान ठाकुर बाड़ी के नाम से निकाला जाता है, भगवान के नाम से निकाला जाता है। जो भी खेत खलिहान में जो भी अनाज पैदा हुआ, जो भी हुआ हो उनके खेत में, वो सबसे पहले अग्रासन उसे कहते हैं कि अगम, यहाँ पे अगम कहे गए, अगम मतलब जो सबसे पहले आगे 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 जो जिसको निकाला जाता है वो भगवान इसके ठाकुर बाड़ी के नाम से निकाला जाता है। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है। भाई देखिए कैसा होता है कि ग्रामीण भाग में जब शाम को लोग खाली हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आकर अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं, ठाकुरबाड़ी में आकर सब अपना समय बिताते हैं। और समय बिताने के साथ साथ वहाँ पे फिर सारे गांव के लोग जमा होते हैं, वहाँ की सब सारी चर्चाएं होती है। जो भी है, जो व्यक्ति, यदि दो भी व्यक्ति बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये हमारे से वो चर्चा होती है, और गांव की स्थिति के बारे में, गांव के जो भी है वो सारी चर्चाएं वहाँ पे होती रहती है। तो अब संबंध क्योंकि लोगों का बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि वहाँ पे वो हमेशा जाते रहते हैं। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय भी ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। मैंने बताया ना कि अपना समय जो भी वो खेती खलिहान जो भी करते होंगे, जब शाम को निजात पाते हैं अपने काम से, तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ठाकुर बाड़ी में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। ग्रामीण भाव, ग्रामीण लोग वो तो वैसे ही भाव भावना से भावना के भूखे होते हैं, और ईश्वर के प्रति जब भक्ति जागती है तो सबसे पहले कहाँ का ध्यान आता है, ठाकुर बाड़ी का, क्योंकि ग्राम में जो गांव में जो स्थान है, धर्मस्थल है, वो कौन सा है, ठाकुर बाड़ी है। तो ठाकुर बाड़ी में ही वे अपना समय आके व्यतीत करते हैं। वहाँ की जो साधु संत है, जो प्रवचन होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं होती है, वो ठाकुर बाड़ी में ही आके होती है। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों की ये मान्यता है, ये भावना है कि नहीं, हम मंदिर में जाएंगे तो एक पवित्रता अपने मन में लगती है। देखिए आज भी हम भी, यदि कोई भी व्यक्ति मंदिर जाने का नाम लेता है तो एक भावना जो हमें जागृत होती है, पवित्र भावना जिसे कहते हैं, वो भावना लेकर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, है ना। तो कोई किसी भी मंदिर में जाइए आप, लेकिन वो मन हमारा अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप को भावना जागृत हो जाती है कि हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं, अपनी भावना को पवित्र करके हम उसमें प्रवेश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कोई भावना है, ग्रामीण, वैसे भी ग्रामीण लोग भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा अपने आप को ये किए रहते हैं कि भगवान का जो भक्ति है, भक्ति में वो अपने आप को समा लेते हैं, है ना। तो वैसे भी भावुक होते हैं, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, लेकिन जिसमें भावना ईश्वर के प्रति है तो वो कहीं ना कहीं भावना को जागृत हो जाती है, और जाकर वो मंदिर में जाकर अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं।
परिस्थितिवश इधर हरियर काका ने, अब हरियर काका के ऊपर आते हैं है ना, क्योंकि ग्रामीण ग्रामीण में गांव में जो वृद्ध व्यक्ति है हरियर काका, अब उनके बारे में यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है कि परिस्थितिवश इधर हरियर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया है ये हम आगे देखते हैं कि पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए, कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। अब काफी छोटे हैं हरिहर काका से लेखक जो बोल रहे हैं कि मैं भी कभी कभी जाता हूँ, लेकिन मैंने जब देखा, जब मैं गया तो वहाँ पे हरिहर काका मुझे नहीं दिखाई दिए, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों से नहीं सुहाते। अब वहाँ के जो साधु संत हैं वो लेखक कह रहे हैं कि मुझे वो बिल्कुल भी नहीं सुहाते। अब कारण क्या है वो आगे हम देखते हैं कि वो हमें बिल्कुल नहीं सुहाते। साधु संत जो भी है वो पता नहीं क्या उनके प्रति, मतलब मिथिलेश्वर जो लेखक हैं उनके भाव उनके प्रति पता नहीं क्यों उद्विग्न हो गए, वो नहीं जानते है ना, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे मुझे वो जो साधु संत है वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। वहाँ के जो साधु संत थे लेखक का कहना ऐसा है कि बस आराम से क्या करते हैं, बस भगवान को पूड़ी और हलवा का भोग लगा दिया एक बार, फिर अपना खाते रहते हैं और अपना चैन आराम से वहाँ पर रहते हैं। तो इसी कारण मुझे वे अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। तो वो कहते हैं मिथिलेश्वर ये सिर्फ मैंने वो साधु संतों को क्या देखा, मैं जब भी मैं बहुत कम जाता हूँ लेकिन मैंने वो साधु संत मुझे वो अच्छे नहीं लगते या मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं। अब कैसी बातें बनाते रहते हैं वो हम आगे देखते हैं। हरिहर काका चार भाई है, हरिहर काका की तरफ आ रहे हैं कि हरिहर काका चार भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है, हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। उनके चार भाई है हरिहर काका के, उनकी सबकी शादी हो चुकी है गांव में और उनके सारों के बच्चे भी हैं। तो बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, मतलब बड़े और छोटे भाई उनके जो थे उनको, एक तो हरिहर काका भी संतान थे ना, तो लेकिन उनके जो बड़े और छोटे भाई थे उनकी जो संतानें थी वो बड़े हो चुकी थी, सयाने हो चुके मतलब बड़े हो चुके थे, और दो की शादियाँ भी हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, मतलब उनका जो बेटा है बड़े भाई का बेटा है वो शहर में जाकर गवर्नमेंट सर्विस जो नौकरी करने लगा है ना, क्लर्की करने मतलब क्लर्क का काम करने लगा है, मतलब नौकरी करने लगा है। और लेकिन हरिहर काका की अपने देह से कोई औलाद नहीं थी है ना, उन्हें कोई बच्चे नहीं थे, हरिहर काका निसंतान थे, उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है ना, चार भाई हैं, चार भाइयों में इनका नंबर दूसरे नंबर का है। और औलाद के लिए उन्होंने दो शादियाँ भी की लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, काफ़ी समय तक उन्होंने रास्ता देखी, काफ़ी समय तक उन्होंने सोचा कि मुझे भी संतान हो जाएगी, लेकिन दो शादी के बावजूद भी उन्हें संतान नहीं हुई। पहले तो ऐसा था ना कि पहली पत्नी है उन्हें भी संतान नहीं है तो उन्हें निकाल दिया जाता था, पहले तो मतलब जो औरतों पर अत्याचार होता था वो यही बात है, और दूसरी भी पत्नी थी तो उनसे भी उनको संतान नहीं थी, तो अब वो तो निसंतान थे। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, अब वो दोनों पत्नियां उनकी जो थी वो बिना बच्चों के ही मतलब खत्म हो गई है ना, मतलब मृत्यु हो गई उनकी, उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई, उनसे उन्हें कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी, तो इसीलिए हरिहर काका निसंतान रहे। अब लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। हरिहर काका कहने लगे कि ये सब चीज़ें क्या, अब तो मेरी उम्र ढलती जा रही है, मैं तीसरी शादी करके क्या करूँ, सिर्फ संतान के लिए तो नहीं, मुझे सिर्फ भगवान में ही ईश्वर में ही अपना मन रमने दो, मैं अपना ईश्वर में ही ध्यान लगाना चाहता हूँ, अब बाकी नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वो इस तरह से अपने आप को
ढालने लगे। वह इतने नाम और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं, वो बेचारा अब अकेले रह गए थे, तो अकेले रहने में क्या किया जाए। तो वे अपने अकेले रहने में ही वे अपने भाइयों के साथ प्रेम भाव से रहने लगे। लेकिन हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, है ना। 60 बीघे खेत बोले तो 4 महीनों में 60 बीघे खेत, तो सब में 15-15 बीघा खेती सबको आ गई, है ना। 15-15 बीघा जमीन सबके पास में आ गई। अब हरियर काका दूसरे नंबर के थे और वे निसंतान थे, तो अब जो भाई प्रेम से प्राले प्रेम के साथ रहने लगे तो सबको स्वार्थवश हरियर काका दिखाई देते थे। तो हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं, है ना। इन्होंने सोचा इतनी बड़ी जमीन है हमारी, सबसे बड़ी जमीन गांव में हमारी है और वो जाने माने सब परिवार माना जाता है, और हमारे परिवार को देखकर ही हरियर काका ये खुश थे कि हमारी इतनी बड़ी जमीन है और हम सब भाई मिलके रहते हैं, संयुक्त परिवार है हमारा, मिला जुला परिवार है, तो ये सब बातें नहीं होती, है ना। लेकिन हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी सेवा करें, अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें, है ना। देखिए स्वार्थवश, जहाँ बोलते हैं ना स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ क्या था कि अब हरियर काका अकेले हैं, उन्हें कोई संतान नहीं है, इनकी जो जमीन जायदाद होगी वो किसकी प्रति किसकी होगी। इसलिए उन्होंने तीनों भाइयों ने क्या किया था, अपनी अपनी पत्नियों को समझा दिया था कि भैया आप इनकी अच्छी तरह से सेवा करें, उनको समय पर नाश्ता दें, समय पर खाना दें। व्यक्ति जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो और उसे मान सम्मान देने, क्योंकि उनके पास से चाहिए होता है, तो वो उन्हें और भी मान सम्मान देने लगता है। अब कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती रही। अब हरियर काका की तरफ कौन देखे, सब अपने अपने पतियों के पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती रही, अपने पतियों में खुश रही। हरियर काका की तरफ कौन देखे, कुछ दिन तक तो ये रहा, कुछ दिन तक तो उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो इस तरह से उनको टालने लगी। हरियर काका के आगे तो बची कुछ ही चीज़ें आती, कभी 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 तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अब ये समय आ गया है कि पहले तो बहुत अच्छे से पूछा गया, लेकिन बाद में सब ऐसी इसी तरह से होने लगा कि अपने अपने पतियों को सब कुछ खिला पिला दिया, जो बचा कुचा था वो हरियर काका के मध्य मार दिया गया। तो यहाँ तक हमने देखा अभी, है ना। आगे और इस पाठ को बढ़ाते हैं, क्योंकि पाठ हमारा हरियर काका काफ़ी बड़ा है, है ना। तो आप ये कहानी बहुत अच्छी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं, पेज नंबर 4 पे आप देख रहे हैं। सभी लोग बुक लेके बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा, और उसे आगे हम आपको ऐसी स्टोरी के रूप में सुनाते जाएंगे। ओके।